बच्चों, आज से आपकी कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का विषय हम पढ़ाना चालू कर रहे हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, तो आपकी रोज एक वीडियो आ जाएगा आपकी सामाजिक विज्ञान का, जब तक आपके पेपर नहीं आते, 10वीं के बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते आपके। ठीक है, और इसमें हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम सामाजिक विज्ञान को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो बच्चों, मेरा नाम है जया साहू, मैं आज से आपको रोज सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो बच्चों, आज आज हमारा पहला दिन है, तो हम आज पहले पाठ से चालू करेंगे। ठीक है, हम पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर किसी बच्चे को अगर पाठ पूरा पाठ पढ़ना होगा, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, तो हम पूरा पाठ भी आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा अध्याय एक जो है, भारत के संसाधन एक। ठीक है, मृदा, जल, वन एवं वन्य प्राणी। ठीक है, तो इस पाठ में हम जो हमारा भारत देश है, ठीक है, उसके जो संसाधन है उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से संसाधन के बारे में? मृदा, मृदा यानी कि मिट्टी, जल, ठीक है, जल यानी कि पानी, वन, वन यानी कि जंगल, एवं वन्य प्राणी यानी कि जो जंगल में रहने वाले जो प्राणी होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, संसाधन हम उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं। ठीक है, संसाधन हम उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं या उन पदार्थों को कहते हैं, ठीक है, जिन जो मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जो हवा है, ठीक है, वो एक प्राकृतिक साधन है। ठीक है, तो मानव क्या करता है, उसको उसको सांस लेने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, अस्पतालों में इस्तेमाल करता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता है। तो वो साधन जो मानव इस्तेमाल करता है, ठीक है, जो मनुष्य की सहायता करते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये संसाधन क्या होते हैं? मानव की प्रगति का सूचक होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप आपकी किताब के पेज नंबर 15 पर आ जाइए। ठीक है, पेज नंबर 15 पे आ जाइए। सबसे पहले अभ्यास के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। सही विकल्प चुनिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, सही विकल्प चुनिए में चार, एक प्रश्न दिया रहता है और उसके चार उत्तर दिए रहते हैं। ठीक है, तो हमें उसमें से सही उत्तर पहचानना रहता है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? कौन सा कारक यानी कि इनमें से कौन सा कारक है, इनमें से कौन सी चीज़ है जो मृदा, मृदा यानी कि क्या होता है बच्चों? मिट्टी। एक सेकेंड, जूम कर लेते हैं हम हमारे वीडियो को। ठीक है, हमारी कॉपी पे जूम कर लेते हैं, अब अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा कारक है जो मृदा यानी कि मिट्टी के निर्माण में उपयोग सहयोग नहीं करता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिट्टी, मिट्टी आप सभी ने देखी है। ठीक है, खेत में आपने देखा होगा, रास्ते पे देखा होगा, मिट्टी पड़ी रहती है, रखी रहती है। ठीक है, तो मृदा, मृदा का निर्माण होता है कैसे होता है? देखो, होता ये है कि जो शैल रहती है, शैल यानी कि जो चट्टाने रहती है। ठीक है, शैल, ये जैसे कि मान लीजिए चट्टान है। ठीक है, ये कोई चट्टान है। अब होगा क्या, चट्टान, ये चट्टान टूटेगी टुकड़ों में। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों में टूट जाएगी। ठीक है, ये पत्थर और ज़्यादा कंकड़ों में टूट जाएंगे। कंकड़ 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 कंकड़, ये कंकड़ और ज़्यादा टूटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मिट्टी पाउडर फॉर्म में जाएंगे, पाउडर के जैसे हो जाएंगे, वो मिट्टी बन जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है, ये पहाड़, ये चट्टान जो है, यानी कि जो शैल बोलते हैं जिसे, शैल, ठीक है, क्या बोलते हैं, शैल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यदि पानी गिरेगा, भूकंप आएगा या कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो इस चट्टान में टकराएगी। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई पानी गिरा, कभी पानी गिरा, बहुत तेज़ बारिश हुई, तो इस चट्टान में दरार आ जाएगी, फिर धूप निकली। ठीक है, तो ये चट्टान टूट जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपने कभी कपड़े धुलकर, आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कोई भी एक शर्ट ले लीजिए, कोई कपड़ा ले लीजिए, ठीक है, अगर आप उसको धुलकर धूप में सूखने डाल देते हैं, और अगर आप उसको बहुत दिन तक सूखने देंगे, तो वो कपड़ा क्या होता है, फटने लगता है। ठीक है, जर्जर हो जाता है। ठीक है, तो और खींचने में फट जाता है वो, तो इसमें पानी गिरेगा। ठीक है, जब गर्मी का मौसम आएगा, ठीक है, तो वो इस जहाँ पे पानी वाली जो जगह होगी वो बहुत ज़्यादा सूख जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा, ठीक है, फिर जैसे कि यहाँ से कोई नदी गुजरी, ठीक है, नदी पत्ते जो होंगे वो इसमें मिल जाएंगे, पेड़ के जो पत्ते होंगे वो इसमें आके मिल जाएंगे। ठीक है, जो कुछ जानवर मर जाएंगे वो भी इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो हमें देखना है
कि इनमें से कौन सा जो है वो इसमें निर्माण में मदद नहीं करता। ठीक है, पहला है वायु और जल। वायु और जल तो करता है, ठीक है, हवा चलती है, चट्टान में टकराती है, ठीक है, चट्टान टूटती है, कमज़ोर होती है, वर्षा का पानी होता है, जल जो होता है, बारिश होती है, ठीक है, उससे भी चट्टान जो मजबूत चट्टान रहती है उसमें दरार पड़ जाती है। ठीक है, दूसरा है सड़े गले गले पत्ते, पौधे तथा जीव जंतु। ठीक है, ये जो सड़े गले पत्ते जो होते हैं, पौधे होते हैं और जीव जंतु होते हैं, वो भी जब मरते हैं या पत्ते जब पेड़ से ज़मीन में गिर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है, वो भी मिट्टी के निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक है, शैल और तापमान। चट्टान, शैल यानी कि जो चट्टानें होती है, पहाड़ होते हैं, है ना, और तापमान, ठीक है, वो भी मदद करते हैं क्योंकि इन्हीं के कारण जो चट्टान से ही, शैल से ही मिट्टी बनती है ना, और तापमान का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, तो ये सब तो सहायता करते हैं। और चौथा है पानी का इकट्ठा होना, ये सहायता नहीं करता। अगर मान लो जी कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाएगा तो उससे मिट्टी बनने का क्या लेना देना। तो इसका सही उत्तर है पानी का इकट्ठा होना। ठीक है, तो कौन सा कारक है जो मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है, उसका उत्तर है चौथा, पानी का इकट्ठा होना। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो हमें बताना है जो आंध्र प्रदेश और जो उड़ीसा, ये दोनों भारत के राज्य हैं, ठीक है, वहाँ पे जो डेल्टा क्षेत्र है, ठीक है, डेल्टा क्षेत्र यानी कि, डेल्टा यानी कि क्या होता है, जब एक जो नदी होती है वो बहुत सारी नदियों में टूट जाती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ी नदी गंगा है, ये जा रही है जा रही है जा रही है, ठीक है, ये फिर कुछ होगा, ये कुछ पहाड़ आएगा, ये कुछ आएगा, तो ये बहुत सारी नदियों में, एक या दो तीन नदियों में टूट जाएगी, तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, तो जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो हमारे भारत के राज्य हैं, उनके जो डेल्टा क्षेत्र हैं और जो गंगा के मैदान हैं यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे गंगा बहती है, ठीक है, उनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, कौन सी मिट्टी पाई जाती है बच्चों, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तीसरा हमारा प्रश्न है, मृदा संरक्षण के लिए समोच्च रेखा बंध बनाने की विधि प्रायः किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो मृदा संरक्षण, मृदा यानी कि मिट्टी, संरक्षण यानी कि बचाना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना, तो मृदा को बचाने के लिए, ठीक है, समोच्च रेखा बंध बनाने की विधि किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है, यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र होता है जहाँ पे हमें अगर मिट्टी को बचाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, समोच्च रेखा बंध बनाना पड़ता है, तो हमें वो क्षेत्र बताना है। तो समोच्च रेखा बंध क्या होता है बच्चों, ठीक है, तो ये ना मिट्टी को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई खेत है ना, कोई खेत है या कोई शहर है या कोई गांव है मान लीजिए, ठीक है, तो होता क्या है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं लगे हैं, पेड़ पौधे लगे होते हैं तो क्या होता है, जो पेड़ की जो जड़ होती है वो मिट्टी को कस के पकड़ लेती है। ठीक है, पेड़ पौधे नहीं लगे होते हैं, कोई खाली रोड है या कोई खाली ज़मीन है, तो वहाँ की क्या होती है, जो मिट्टी होती है, जब पानी गिर जाता है और हवा चलती है तो वो बह जाती है, हवा मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, जल जो होता है वो वर्षा का वो मिट्टी को बहा कर ले जाता है, ठीक है, अपने अपवाह में। तो हमें बताना है ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे हम बंध समोच्च रेखा बंध विधि का उपयोग करते हैं मिट्टी को बचाने के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है डेल्टा प्रदेश। ठीक है, डेल्टा प्रदेश में हम समोच्च रेखा बंध बनाते हैं और मृदा का संरक्षण करते हैं। ठीक है, डेल्टा प्रदेश मैंने आपको बताया कि एक नदी जो रहती है वो बहुत सारी नदियों में टूट जाती है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा प्रदेश। ठीक है, तो समोच्च रेखा बंध क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए समोच्च रेखा बंध क्या होता है, जैसे कि यह है नदी है, ये बह रही है, ठीक है, डेल्टा प्रदेश में क्या होता है कि जो एक नदी रहती है वो बहुत सारी उसमें टूट जाती है, तो जहाँ जहाँ से ये नदी बहेगी वो अपने साथ मिट्टी बहा कर ले जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए, ठीक है, ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, एक बड़ी नदी है, ये छोटी छोटी नदियों में टूट जाएगी। ठीक है, तो अब अगर हमें अब यहाँ पे जो मिट्टी होगी, यहाँ पे मान लीजिए खेत है, ठीक है, यहाँ पे कोई ज़मीन है, यहाँ पे जो मिट्टी होगी वो नदी भी अपने साथ बहा कर ले जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मिट्टी कम पड़ जाएगी, तो हम क्या करते हैं समोच्च रेखा बंध में, हम क्या करते हैं जैसे कि ये है ना, तो हम इसमें सीढ़ी ऐसा बना देते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा,
ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि इस जगह से अगर नदी बह रही है, ठीक है, तो वो यहाँ की मिट्टी, जैसे कि मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, ये बह रही है, फिर ये ऊपर से नीचे आएगी, नीचे से ऊपर आएगी, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो नदी के साथ साथ बहेगी, ठीक है, यहाँ की मिट्टी बहकर यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर रुक जाएगी, फिर यहाँ से पानी आएगा, यहाँ की मिट्टी बहकर यहाँ आ जाएगी, यहाँ की मिट्टी बहकर यहाँ आ जाएगी, तो इससे क्या होगा, पानी की जो गति है, नदी की जो गति है वो धीमी पड़ जाएगी, ठीक है, वो मिट्टी भी हमारी सुरक्षित हो जाएगी, संरक्षण हो जाएगा, मृदा का संरक्षण हो जाएगा। तो कौन से क्षेत्र में हम करते हैं बच्चों, डेल्टा प्रदेश में, ठीक है। मानव सर्वाधिक उपयोग करता है, मतलब यहाँ पे हमें बताना है इनमें से कौन सी चीज़ जो है, इनमें से कौन सा प्रकार का जल है जो मानव सर्वाधिक उपयोग करता है, तो इसका उत्तर है पृष्ठीय जल, ठीक है। पृष्ठीय जल यानी कि जो जमीन के ऊपर जो जल होता है ना, है ना, उसको हम पृष्ठीय जल बोलते हैं। भौम जल क्या होता है, जो भूमि के अंदर जो जल होता है, ठीक है, उसको उपयोग करने में मेहनत लगती है, गड्ढा करना पड़ता है, ट्यूबवेल बनाना पड़ता है या कुआं खोदना पड़ता है, तो मनुष्य ज़्यादातर उतनी मेहनत नहीं करता। महासागरीय जल, ठीक है, वो क्या होता है, ज़्यादातर खारा होता है, तो मनुष्य उसका भी इस्तेमाल नहीं करता। और वायुमंडलीय जल यानी कि जो हमारे एटमोसफेयर, हमारे वायुमंडल में जो जल उपयोग होता है, जो वर्षा के साथ आता है, तो मनुष्य उसका भी प्रयोग नहीं कर पाता। तो सबसे ज़्यादा मनुष्य किसका प्रयोग करता है, पृष्ठीय जल। पृष्ठीय जल यानी कि जो जमीन के ऊपर जो जल होता है, जो नदी में जल होता है ना, जो हमारे सामने उपलब्ध होता है, उसको हम बोलते हैं पृष्ठीय जल। तो सबसे ज़्यादा मानव किसका उपयोग करता है, पृष्ठीय जल का उपयोग करता है। हमारा पाँचवा प्रश्न, केवला देव घाना पक्षी विहार स्थित है, ठीक है, ये केवला देव घाना पक्षी विहार, ठीक है, ये क्या है, केवला देव घाना, ये पक्षी विहार है, ठीक है। यहाँ पे मतलब पक्षी पक्षी जहाँ पे ज़्यादा पक्षी पाए जाते हैं, ठीक है, उन जगह को हम विहार बना दिए जाते हैं। तो हमें बताना है वो किस क्षेत्र में स्थित है, तो उसका उत्तर है राजस्थान में। कहाँ पर उपलब्ध है, केवला देव घाना पक्षी विहार राजस्थान में, ठीक है बच्चों। अब आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी और बुक निकालिए, अपनी बुक निकालिए, इन सारे उत्तर को टिक कर लीजिए और इनको एक दो बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे, अब हम पेज नंबर पर, हम पेज पलटाएंगे, अब हम आएंगे पेज नंबर, आपकी किताब के पेज नंबर 16 पर, ठीक है। तो ठीक है, पेज नंबर 16 पर, एक मिनट, पेज नंबर 16 पे सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो पहला है, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में खालिस्तान का महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, हमें ये बताना है, जो संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था है, जो सरकार के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, ठीक है, जो वन को बचाने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो इसका उत्तर है वन सुरक्षा समितियों का, वन को बचाने वाली सुरक्षा समिति, वन की सुरक्षा करने वाली समितियों का, ठीक है। तो इसका उत्तर है वन सुरक्षा समितियों का, ठीक है। तो क्या है इसका उत्तर, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। दूसरा है, सामाजिक वानिकी योजना को खालिस्तान से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो जो सामाजिक वानिकी योजना है, ये एक योजना है, ठीक है, वन से संबंधित योजना है, ठीक है। तो उसे वित्तीय सहायता यानी कि उसे पैसों की जो सहायता होती है, ठीक है, वो कौन प्रदान कर रहा है, इसका उत्तर है विश्व बैंक, ठीक है। विश्व में एक बैंक है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विश्व बैंक, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सामाजिक वानिकी योजना को वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है, ठीक है। वन अग्नि नियंत्रण परियोजना खालिस्तान के सहयोग से संचालित है, ठीक है। होता क्या है बच्चों, जो वन में जो अग्नि लग जाती है, जंगलों में आग लग जाती है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो योजना बनाई जाती है, वो किसकी सहायता से संचालित हो रही है, तो इसका आंसर है UNDP, यू, ठीक है, NDP, ठीक है बच्चों। सामाजिक वानिकी योजना को कौन सहायता प्राप्त कर रहा है, विश्व बैंक, और वन अग्नि नियंत्रण परियोजना को कौन सहायता प्राप्त कर रहा है, UNDP, ठीक है। वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु खालिस्तान की स्थापना की गई है, तो जो वन्य जीव होते हैं, यानी कि जो जंगल में रहने वाले जीव होते हैं, उनकी सुरक्षा और उनकी संरक्षण के लिए, यानी कि उनको बचाने के लिए, ठीक है,
किन किन चीज़ों की स्थापना की गई वो हमको बताना है। तो पहली चीज़ किसकी, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो रहता है शिकार करना मना रहता है, ठीक है, जानवरों का। और वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, अभयारण्यों की स्थापना की गई है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, रण्यों, ये या है, ठीक है, आधा अणा या, ठीक है। अब हम आते हैं सही जोड़ी मिलाइए में। तो पहला है ये कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है, इनको हमें इसके उत्तर के साथ मिलाना है। पहले का है कॉर्बेट, कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि, ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यहाँ पे उद्यान भी आएगा, राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, असम में, ठीक है। तो पहले का ये पहला यहाँ पे लिख दीजिए, पहला। दूसरा है दचीगम, दचीगम कहाँ पे, दचीगम का उत्तर क्या है, गा, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। मानस कहाँ पर स्थित है, मानस, ठीक है, ये स्थित है अच्छा थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। सबसे पहले कॉर्बेट जो है, ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है बच्चों, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, जो कि इसके सामने ही है, ठीक है, इसको हम इससे मिला देंगे। दचीगाम कहाँ पर स्थित है बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर में, तो इसको हम इससे मिला देंगे। दूसरा, ठीक है, मानस कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये मानस जो है वो स्थित है असम में, ठीक है, इसको हम इससे मिला देंगे, यहाँ पे लिख देंगे तीन, ठीक है। पेरियार कहाँ पर स्थित है बच्चों, पेरियार जो स्थित है वो केरल में है, ठीक है। चौथा, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना, ठीक है, ये कहाँ पर, ये योजना कहाँ पर चलाई जाती है, परियोजना वन अग्नि नियंत्रण, ये कहाँ है, चंद्रपुर में, ठीक है, तो हम मिला देंगे इससे, ठीक है। तो ये जगह के नाम थे कुछ, मतलब हमारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों के नाम थे ये, तो हमें बताना था वो किस राज्य में स्थित है, और ये परियोजना थी वो हमें बताना था वो कहाँ पर चलाई जा रही है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अति लघुतरीय प्रश्न पर, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो हमें बताना है मृदा अपरदन, मृदा यानी मिट्टी और अपरदन से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो अब हम इसका उत्तर देखेंगे, ठीक है। तो मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब ठीक आ रहा है, दिख रहा है ना बच्चों आपको, ठीक है, ठीक है। तो मृदा अपरदन, मृदा अपरदन को और क्या कहा जाता है, मृदा क्षय, ठीक है, यानी कि मिट्टी का क्षय होना या मिट्टी का अपरदन होना। तो इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, देखिए ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2014 में आया है, 2018 में आया है, 2020 में आया है, तो ये 2021 में भी आ सकता है। तो इस प्रश्न को आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए, मैं आपको समझा रही हूँ। तो इसका उत्तर है, बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल के ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने, बह जाने और उड़कर अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है, ठीक है। बच्चे होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई जगह है, वहाँ पर मिट्टी है, तो होता क्या है, अगर वहाँ पे नदी बह रही है या वहाँ पे बाढ़ जाती है या बारिश हो जाती है बहुत अधिक, और या, ठीक है, तो क्या होता है, वो मिट्टी जो है, जो जल जो है, वो मिट्टी को भी अपने साथ साथ बहा कर ले जाता है किसी अन्य स्थान पर, ठीक है। वैसे ही अगर हवा चलती है तो वो भी मिट्टी को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। जो जीव जंतु होते हैं और जो मानव होते हैं उनकी जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, क्रियाएं यानी कि चलना होता है, ठीक है, गाड़ी चलाना हो गया, जैसे कि जानवर लोग घास चरते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो भूपटल यानी कि भूमि के पटल पर, भूमि के ऊपर जो मिट्टी रहती है, ठीक है, ऊपर क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी रहती है भूमि के ऊपर जिसमें हम फसल उगाते हैं, तो उसकी जो परत होती है, उपजाऊ मिट्टी की जो परत होती है वो कट जाती है, ठीक है, तो और यह बह जाती है या उड़कर अन्य जगह रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मिट्टी का कटाव बोलते हैं, या मृदा अपरदन कहा जाता है, या मृदा क्षय कहा जाता है, ठीक है। बच्चों, जो मिट्टी रहती है वो जल के कारण, ठीक है, हवा के कारण, जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं के द्वारा, ठीक है, इनकी जो क्रियाएं होती हैं, इनके जो काम होते हैं, उनके ज़्यादा द्वारा क्या होता है, जो भूपटल के ऊपर उपजाऊ मिट्टी की जो परत होती है,
ठीक है, वो कट जाती है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए जो परत है ना खेत में, ये मिट्टी है, उसके नीचे भी बहुत सारी मिट्टी होती है, लेकिन जो ऊपर जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है, जहाँ पे हम फसल उगाते हैं, तो वो कट जाती है, बह जाती है या उड़कर अन्य स्थान पर रूपांतरित हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मृदा क्षय, मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला उत्तर हो गया। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मृदा संरक्षण, मृदा यानी कि मिट्टी, संरक्षण यानी कि बचाना। ठीक है, तो हम मिट्टी को किससे बचाएंगे, किससे बचाएंगे, मिट्टी का जो जो मिट्टी का बुरा करेगा, जिससे मिट्टी खराब होगी, ठीक है, जिससे मिट्टी को नुकसान होगा। मिट्टी को नुकसान किस चीज़ से होता है, हमने पहले प्रश्न में ही पढ़ा, मृदा अपरदन, मृदा क्षय या ठीक है, इन सारी चीज़ों से मिट्टी का या मिट्टी का कटाव हो जाता है, तो उससे मिट्टी का नुकसान होता है ना। हमारी जो उपजाऊ मिट्टी रहती है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी की जो परत रहती है, तो उससे हम किससे बचाएंगे, मिट्टी को मृदा अपरदन से बचाएंगे, तो हमें वो बताना है, वही क्या कहलाएगा, मृदा संरक्षण कहलाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये वाला जो प्रश्न है ये 2015 में आया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, उत्तर, मृदा के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण है। ठीक है, मृदा का अपरदन, क्योंकि मृदा अपरदन या मृदा क्षय से क्या होता है, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चले जाती है, तो जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी की जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, तो उससे उसको रोकना, इन दोनों चीज़ को रोकना है। ठीक है, मिट्टी के अपरदन और मिट्टी के क्षय को रोकना ही क्या है, मृदा संरक्षण है। तो इससे हम क्या करते हैं, मिट्टी को बचा रहे हैं, उसे हम संरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, और देखो, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी भी हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है, तो इसका क्या हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। ठीक है, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश को रोकना आवश्यक है। इसलिए हमें मृदा का संरक्षण करना है और विनाश को रोकना, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, होता क्या है कि हमारी जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जंगल काट रहे हैं, वहाँ पे हम शहर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब जब पेड़ नहीं रहते हैं, तो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ जो होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, पेड़ की जो जड़ आपने देखी होगी वो एकदम मिट्टी में धंसी हुई होती है। ठीक है, तो वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो मिट्टी नहीं बहती है जहाँ पर पेड़ रहते हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, हम जंगल को काट रहे हैं, तो पेड़ भी कम होते जा रहे हैं, अब मिट्टी को पकड़ के रखने वाला कोई नहीं बचता। ठीक है, तो इससे के कारण क्या हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है, इसलिए हमें मिट्टी को बचाना है और विनाश को रोकना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें बहुत सारे फायदे होंगे। अब हम आते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पर, भौम जल पानी के स्रोत क्या है। ठीक है, भौम जल यानी कि भूमि के अंदर जो जल होता है, उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं भूमि के अंदर। ठीक है, अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के घर में बोर होता है, ठीक है, खेतों में बोर होता है, हम कुएं खोदते हैं भूमि के अंदर का जल निकालने के लिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, भूमि के जल निकालने के लिए, ये सब भूमि जल के स्रोत हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, हमारा तीसरा प्रश्न, भौम जल पानी के स्रोत क्या है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले उत्तर। ठीक है, इसे कुओं व ट्यूब बेलों के द्वारा धरातल पर लाया जाता है, तथा मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि, भूमि की सिंचाई, बागवानी, उद्योग आदि के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, भूमि के अंदर जो जल होता है उसको हम क्या करते हैं, कुओं और ट्यूब वेलों की सहायता से धरातल पर लाते हैं। धरातल यानी कि धरा यानी कि पृथ्वी यानी कि भूमि के तल तल पर लाते हैं, यानी कि उसके ऊपर लाते हैं। ठीक है, और इसे मानवीय उपयोग के लिए तो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मानव के उपयोग खाने पीने के लिए, नहाने के लिए तो इस्तेमाल किया जाता है, पर इसके अतिरिक्त इसको हम कृषि भूमि की सिंचाई के लिए यानी कि खेत की सिंचाई के लिए, बागवानी के लिए, ठीक है, जो बाग लगाते हैं, फल फूल लगाते हैं उसके लिए, उद्योग के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी जल की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए हम इसे उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, 2017 में आया है। ठीक है, प्रश्न चौथा, ठीक है, संशोधित वन नीति 1988, ठीक है,
1988 का मुख्य आधार क्या है? ठीक है, संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है, यानी कि जो वन नीति आई थी, ठीक है बच्चों, देखो भारत में ना 3 बार वन नीति आई है, ठीक है, 1950 में, 1978 में और एक 1990 के बाद, मतलब बीच में एक बार और आई है, ठीक है। तो जो 1950 वाली जो वन नीति थी, ठीक है, उसमें हमने कुछ बदलाव किए थे, यानी कि संशोधन किए थे, संशोधित किए थी उस वन नीति को, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संशोधित वन नीति 1988, ठीक है। तो उसके मुख्य आधार क्या है, यानी कि किस लिए वो नीति बनाई गई थी, तो वो हमें इस उत्तर में बताना है, ठीक है। तो अब हम इसका उत्तर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे उत्तर, ठीक है, उत्तर 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई, जिसके मुख्य आधार निम्न हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वन नीति, मतलब उसकी पहले वाली वन नीति कब थी, 1950 की जो वन नीति थी, ठीक है, इसमें हमने कुछ बदलाव किए, ठीक है, और उस नीति को हमने क्या नाम दिया, संशोधित वन नीति 1988, ठीक है। तो इसी को हमने क्या किया, संशोधित वन नीति 1988 का नाम दिया, इसमें हमने जो बदलाव किए थे वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई, जिसके मुख्य आधार निम्न हैं, ठीक है। पहला, पर्यावरण में स्थिरता लाना, ठीक है, हमारा जो पर्यावरण होता है, ठीक है, उसमें स्थिरता लाना, ठीक है। दूसरा, जीव जंतुओं व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करना, लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरा करना, ठीक है। हमें क्या करना था, इस वन नीति में हमें पर्यावरण में सुरक्षित स्थिरता लाना था, यानी कि हमारा जो पर्यावरण है उसको स्थिर बनाना था, ठीक है। यानी कि अभी क्या होता है, कभी भी हमारे पर्यावरण में कभी भी कुछ ना कुछ होता रहता है, ठीक है। वन में अगर हम वन को बचा लेंगे तो पर्यावरण में स्थिरता आएगी। हमें जीव जंतुओं व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करना है, ठीक है। हमारे जो जीव जंतु होते हैं, वनस्पति यानी कि जो हमारे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो हमारी प्राकृतिक धरोहर है, उनकी हमें सुरक्षा करना और लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरा करना, ठीक है। लोगों की बुनियादी ज़रूरतें यानी कि जो बहुत आधारिक, मतलब सबसे मुख्य ज़रूरतें जो होती हैं, ठीक है, बुनियादी ज़रूरतें जो होती हैं, जो सबसे ज़रूरी ज़रूरतें होती हैं, वो सब भी हमारी वन से पूरी होती है, ठीक है। मिट्टी, लकड़ी, ठीक है, फल फूल, ये सब हमें वन से प्राप्त होते हैं, तो उनको भी हमें पूरा करना, ठीक है, उनको भी हमें पूरा करना था। तो इसका भी उत्तर आप लिख लीजिए, ठीक है। अब हमारा 5वां प्रश्न पे हम आते हैं, सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या है, ठीक है। तो सामाजिक वानिकी योजना, ठीक है, तो सरकार ने क्या की थी, सामाजिक वानिकी योजना बनाई थी, ठीक है, वन को बचाने के लिए और ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए। तो हम उसकी जो सफलता है, ये जो योजना थी ना, ये बहुत ज़्यादा सफल हुई थी। तो हमें बताना है कि ये योजना किस कारण सफल हुई थी, इसकी जो सफल होने का कारण क्या था, आधार क्या था, ठीक है। तो अब हम इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर, ठीक है, उत्तर, सामाजिक वानिकी योजना की सफलता के आधार निम्नलिखित है, ठीक है। तो इस योजना में क्या किया गया जिसके कारण वो योजना सफल हुई, हमें वो लिखना है। तो पहला, वह कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाना, ठीक है। तो हमने क्या किए, जो वन कानून थे, है ना, वन कानून यानी कि बहुत सारे कानून होता है, आप जैसे ऐसा थोड़ी ना होता कि अगर कोई भी जंगल में घुस जाएगा, लकड़ी तोड़ लेगा, जानवरों का शिकार कर लेगा, तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, ठीक है। तो इस योजना में क्या किया गया, ये जो कानून बनाए थे उनको प्रभावी ढंग से लागू कराया गया, ठीक है, इनको लागू किया गया और हरे भरे वृक्षों के काटने पर रोक लगाई गई, ठीक है। तो इसके मुख्य आधार में सबसे पहला, मतलब जो सफलता का कारण है, सबसे पहला ये है, वन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे वृक्षों के काटने पर रोक लगाना, ठीक है, ये काम किया गया सरकार के कारण। तो जिससे क्या हुआ, और ज़्यादा लोग, मतलब सतर्क हो गए, लोगों ने वन को काटना बंद कर दिया, ठीक है। दूसरा, हिमालय क्षेत्र में वृक्षों की कटाई को रोकने एवं पशुओं की मुक्त चराई पर उचित रोकथाम की व्यवस्था करना, ठीक है। हिमालय क्षेत्र है ना, हमारे भारत में हिमालय पर्वत है, जो हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे हरे भरे वृक्ष हैं, बहुत सारे बड़े बड़े जंगल हैं। तो वहाँ पे क्या करते थे लोग, जाके ना वृक्ष को काट लेते थे, पेड़ काट लेते थे, जो पशु होते थे उनको चराते थे, ठीक है। पशु क्या करते थे, सारे जो नए नए पौधे रहते हैं वो पेड़ बनते थे, उसके पहले ही पशु उनको खा लिया करते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, हिमालय क्षेत्र में वृक्षों की कटाई को रोकने एवं पशु की मुक्त चराई पर उचित रोकथाम की व्यवस्था की गई, ठीक है, व्यवस्था करना। तो ये आप दोनों पॉइंट याद कर लीजिए, ठीक है। अब हमारा 6वां प्रश्न है,
भारतीय वन प्रबंध संस्था की स्थापना क्यों की गई? ठीक है, हमारे देश में वन के प्रबंधन के लिए, ठीक है, हमारे देश में जो जंगल होते हैं उनके प्रबंधन के लिए एक योजना बनाई गई, एक संस्थान बनाया गया, ठीक है, जिसका नाम क्या था? भारतीय वन प्रबंध संस्थान। तो हमें बताना कि उसकी स्थापना क्यों गई, उसे क्यों की गई, उसे क्यों बनाया गया इस, ठीक है, भारतीय वन प्रबंध संस्थान को क्यों बनाया गया? तो इसका उत्तर हम देखेंगे, ठीक है। उत्तर, वन संसाधन व प्रबंधन की व्यवसाय, प्रबंधन व्यवसाय की नवीन बातों की जानकारी देने हेतु, ठीक है, ठीक है, 1978 में स्वीडिश कंपनी की सहायता से अहमदाबाद में, ठीक है, इस संस्थान की स्थापना की गई। तो किस लिए की गई? वन संसाधन व प्रबंधन व्यवसाय, जो प्रबंध वन संसाधन यानी कि जो हमें जो वन से संसाधन प्राप्त होते हैं और हम वन का प्रबंध कैसे करते हैं, ठीक है, जो प्रबंधन का व्यवसाय होता है यानी कि प्रबंधन का बिजनेस होता है, उनकी नई बातों की जानकारी देने के लिए 1978 में स्वीडिश कंपनी की सहायता से अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की गई। ठीक है, केंद्र सरकार ने भोपाल में भी भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना की। यहाँ स्नातकोत्तर व डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, प्रदान की जाती है। ठीक है, तो क्यों की गई स्थापना, क्यों की गई? जो हमारा वन संसाधन होते हैं और जो उनका प्रबंधन होता है, वन संसाधन प्रबंधन का जो व्यवसाय होता है, ठीक है, उसमें अगर कोई नई नई चीज़ आती है तो नई बातों की जानकारी देने के लिए स्वीडिश कंपनी के साथ मिलकर, ठीक है, भारत की सरकार ने क्या किया गया, अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की। कौन से संस्थान की? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की। कब की गई, कब की स्थापना? 1978 में। फिर क्या किया केंद्र सरकार ने, एक संस्थान उन्होंने अहमदाबाद में बना दिया, फिर एक और संस्थान उन्होंने क्या किया, भोपाल में भी बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करते थे, जो बच्चे, मतलब कि जो बच्चे जो वन के संबंध में, ठीक है, वन प्रबंधन के विषय में पढ़ाई करते थे, ठीक है, उसमें वो लोग डिग्री प्राप्त करते थे, PhD करते थे, तो उन्हें स्नातकोत्तर और बाद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाती है। ठीक है, प्रदान की करने के लिए वो बच्चों ने इतनी मेहनत की है, ठीक है, वन के ऊपर इतना ध्यान दिया है, तो उन्हें उन्हें कुछ ना कुछ उपाधि तो देनी पड़ेगी, तो स्नातकोत्तर व डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करने के लिए इन सारी चीज़ों की स्थापना की गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्नातकोत्तर व डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे इस प्रश्न का भी उत्तर, आप लिख लीजिए, ठीक है, और इसे याद कर लीजिए। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है, तो आज आप आधे घंटे का वीडियो देख के आइए, कल के वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो हमारे बचे हुए प्रश्न है वो हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको, अगर इस पाठ को पूरा समझना है तो आप कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, और कुछ भी अगर आपको डाउट आया होगा या कोई भी वीडियो में परेशानी हुई होगी या आपके कोई सुझाव होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, और आपकी अब रोज़ सामाजिक विज्ञान की क्लास लगेगी। ठीक है,